हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मॉस्किटो किलर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल कम पैसों के अंदर ही बन जाएगा। फ्रेंड्स, यही नहीं फ्रेंड्स, ये मच्छरों को बुला बुला के मारेगा। कैसे, ये सारी चीज मैंने वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है विद टेस्टिंग। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज यार, जो फ्रेंड्स चैनल पे नया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं दो खराब मॉस्किटो रैकेट लूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें इन मॉस्किटो बेटों के अंदर से सिर्फ ये वाली चीज लेनी है। ये देखिए, ये जो आगे की तरफ की जाली है, ये हमें चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा सर्किट पहले से रिपेयर किया हुआ है, बैटरी हटी हुई है, तो पूरा का पूरा हमारा ये मॉस्किटो बेट डेड है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमें चाहिए, इसके जो वायर है उनको मैं कट कर लेता हूँ। एक ये हो गया, अब दूसरा ले लेता हूं। यहां पर भी देख सकते हैं बैटरी पहले से निकली हुई है, और इसका जो सर्किट बोर्ड है इसके अंदर देखिए, ये 2KV 223J, ये वाला PF कैपेसिटर पहले से निकला हुआ है, यानी कि ये डेड था इसके अंदर। तो मॉस्किटो किलर रैकेट किस तरह से रिपेयर होता है, काफी वीडियो अपने चैनल पे बना रखे हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों जालियों के जो फ्रेम है वो एक जैसे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से PVC शीट के द्वारा कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने PVC पाइप की सीटें बना ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं इनको व्हाइट कर लेता हूँ। व्हाइट मीन्स इनके ऊपर व्हाइट कागज चिपका लेता हूँ, और वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इन तीनों के अंदर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, अप्रोक्सीमेटली 10-10 सेंटीमीटर की, क्योंकि इनके दोनों तरफ यहाँ पर ये दोनों जालियां चिपकेगी विद फ्रेम। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो सीटें हैं इनको मैं गर्म करके ये जो फ्रेम है इनकी गोलाई के अनुसार मैं शेप दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं इनके ऊपर डबल टेप चिपका लेता हूँ, ताकि ये हाथों हाथ चिपक भी जाए फ्रेंड्स। तो देखिए, इन सीटों को मैंने कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है, और अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो सीटों के टुकड़े हैं इनको PVC सॉल्वेंट के द्वारा अच्छे से फिक्स कर लूंगा। और देखिए, ये PVC सॉल्वेंट आपको सैनिटरी सोप से मिल जाएगा, या फिर आप इसको स्टेंट ग्लू के द्वारा भी फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इन सीटों को फिक्स कर लिया है। और अब देखिए, यहाँ पर मैं 5 LED लाइटें ले लूंगा, और इनको देखिए यहाँ पर मैं फिक्स करने वाला हूँ, ये जो व्हाइट कागज है इनके ऊपर। तो इन सब LED को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए सभी LED के पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएंगे और नेगेटिव एक साथ। तो व्हाइट वायर के साथ में मैं LED की पॉजिटिव लेग कनेक्ट कर रहा हूँ, और ग्रीन वायर के साथ में LED की नेगेटिव लेग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 LED को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और अब देखिए, इन LED को मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी LED को फिक्स कर दिया है, और इनके जो इनपुट वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हमने रेड और ब्लैक रखे हैं। अब देखिए, जो दूसरी वाली नेट वाली फ्रेम है, इसको फिक्स करने से पहले हम बनाएंगे इसके लिए सर्किट, ताकि यार ये मच्छरों को भी तो सलटाएगा फिर। तो यहाँ पर मैं लूंगा फ्रेंड्स 4 PF कैपेसिटर, जो की 105 400 वोल्ट के है। इसमें 105J भी हो सकता है, 105K भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और 400 वोल्ट की जगह 450 वोल्ट भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिए है 4 डायोड जो कि 4007 के हैं, और इसके अलावा मैं लूंगा एक रेजिस्टेंस जो कि 0.5 वाट की है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 वाट की भी ले सकते हैं, 1 वाट 2 वाट तक तो जरूर लीजिएगा, लेकिन 0.5 वाट से नीचे मत लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये 100 किलो ओम की है और इसका जो कलर कोड है फ्रेंड्स वो है ब्राउन, ब्लैक, येलो और गोल्ड। तो चलिए इनके कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स यार आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं दो दो के जोड़े बना लेता हूँ इन पीएफ कैपेसिटरों के, और उनको देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर 2 लेग इसकी खुली रहेगी और 2 को मैं इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी भी कर लेते हैं। अब देखिए 2 डायोड हम इन दोनों पीएफ कैपेसिटरों की इन दोनों लेगों पे कनेक्ट करेंगे, एक का एनोड और एक का कैथोड, देखिए इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों डायोडों के मुंह है इनको हम एक जगह करके इन दोनों पीएफ कैपेसिटरों के इस वाले मुंह के ऊपर कनेक्ट कर देंगे जहां पर इनकी दोनों लेगे एक जगह है। और ये देखिए जो रेजिस्टेंस हमने ली थी उसको हम कनेक्ट कर देंगे यहीं पे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों डायोड है इनको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो डायोड की व्हाइट पट्टी है यानी कि एनोड की तरफ वाला, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और दूसरे वाले डायोड का कैथोड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और फिर दोनों डायोडों के बचे हुए मुंह को हम पीएफ कैपेसिटर की इन दोनों लेगों पे कनेक्ट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे हम एक एंड केप जो कि मैंने 110 mm की ली है, और ये बिल्कुल आसानी से सैनिटरी शॉप से मिल जाएगी, या फिर हो सकता है आपको अपने ही घर पे इस तरह की वेस्टेज मिल जाए। तो अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले होल कर लेता हूँ ताकि ये जो वायरिंग है इन सब की वो इस होल में से हम निकाल के इस सर्किट के साथ में कनेक्ट कर सके। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एक स्विच, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगाऊंगा ये पुश ऑन और ऑफ स्विच। तो चलिए कर लेता हूं मैं इसके ऊपर होल, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये होल कर लिए हैं। और देखिए ये एंड कैप हमने ली क्यों है, ये फ्रेंड्स हमारे इस मॉस्किटो किलर का स्टैंड होगा क्योंकि ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो स्विच है इसको हम इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्विच को लगा दिया है, अब यहाँ पर हम एक पावर कोड भी लगा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ, तो ये रही पावर कोड। और ये पावर कोड फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हमारे किसी पुराने इलेक्ट्रिक एप्लायंस से निकाली है जो कि डेड था। तो आप भी कोशिश किया करो फ्रेंड्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कम से कम खर्चा आए। तो देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो पावर केबल है इसको मैं जिप टाई के द्वारा यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, तो ये रही जिप टाई। अब देखिए ये केबल यहाँ से नहीं निकलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दूसरा जाली वाला फ्रेम है इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी मैं डबल टेप लगा लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों तरफ के फ्रेम लगा दिए हैं, और अब करते हैं फ्रेंड्स इसकी वायरिंग। तो देखिए दोनों तरफ के पैनलों के अंदर से 3-3 वायर आए हुए हैं जिनमें 2 सेम कलर के हैं और 1 अलग कलर का, ठीक है दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो जो सेम कलर वाले वायर है फ्रेंड्स इनको हम चारों को एक साथ कर देंगे, यानी इनको मिला के हम 1 वायर निकाल लेंगे। साथ ही यहाँ पर ये जो दोनों वायर बचे हुए हैं इनको भी हम मिला के 1 वायर निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, चारों एक साथ हो गए हैं, और अब इन दोनों को भी कर लेते हैं। अब इन पे मैं फ्रेंड्स 2 वायर कनेक्ट कर दूंगा, तो कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑरेंज वायर यहां पर मैं रेड वाले के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, और इस पर्पल कलर के वायर को हम इन चारों वायरों के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 वायर हो गए हैं, 2 वायर हो गए हैं दोनों तरफ के पैनलों के, और 2 वायर हो गए हैं ब्लू LEDओं के जो कि पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। और अब देखिए इन दोनों जॉइंटों के ऊपर मैं टेप लगा लेता हूँ, इन चारों वायरों को यहाँ पर ये जो स्टैंड हमने बनाया है इसके 20 सेंटर के अंदर से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट हमने बनाया था इसके साथ में हम इसके कनेक्शन कर देंगे। तो बहुत ही इजी कनेक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो LEDओं के दोनों वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम इस सर्किट के अंदर इस तरीके से लगाने वाले हैं। जो पॉजिटिव वाला है इसको हम लगाएंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर,
और अब देखिए यहाँ पर पावर केबल का एक वायर और एलईडी का जो नेगेटिव है इन दोनों को हम लगाएंगे पीएफ कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ में। और अब देखिए दोनों पैनलों के यानी दोनों तरफ की जालियों के ये दोनों वायर हम कनेक्ट करेंगे पीएफ कैपेसिटर के इन दोनों पॉइंटों के साथ में। यहाँ पर एक वायर और बच गया है जो कि पावर कोर्ड का है, तो इसको हम देखिए इस स्विच के थ्रू लाएंगे पीएफ कैपेसिटरों के इस वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे जिस पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है। देखिए इस तरीके से तो देखिए इसको मैं डबल टेप के द्वारा अच्छे से फिक्स कर दूंगा इस तरीके से। और अब देखिए इसके नीचे की तरफ हम एक पैनल चिपका देंगे और इसको देखिए हम इस तरीके से फिक्स करेंगे कि जब चाहे तब हम इसको खोल भी सके। तो यहाँ पर मैं स्टंट ग्लू नहीं लगा के हेवी बॉन्ड का इस्तेमाल करूंगा। और अब देखिए इसके ऊपर वाले इस फ्रेम को हम स्टैंड के ऊपर इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो मॉस्किटो किलर है ये बनके तैयार हो गया है और अब ये फ्रेंड्स दोनों तरफ से मच्छरों को सल्टा देगा इस साइड से भी और इस साइड से भी। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आपको इसको लेके और इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये स्विच ऑन कर दीजिएगा और अपने आप ये बुला बुला के मच्छरों को सल्टाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर लगी हुई है एक ब्लू लाइट जो कि मच्छरों को अपने आप आकर्षित करेगी। और जैसे इसके अंदर लगी हुई लाइट के अंदर मच्छर जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो मच्छर है वो मारा जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा इसको लगा दूंगा पावर के अंदर, ये लीजिए, और यहां पर ये जो स्विच है इसको कर देता हूं ऑन। ठीक है, इसके अंदर ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है जो कि अभी मैं आपको अंधेरे में भी बताऊंगा। ये कभी भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी इन दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने देखा फ्रेंड्स अगर हमारे कमरे के अंदर मच्छर है और अगर हमने लाइट को बिल्कुल बंद कर दिया तो उस वक्त फ्रेंड्स मच्छर बहुत ज्यादा काटेंगे। और आप वहीं पे एक ट्यूबलाइट जला दो, मजाल आपको कोई मच्छर काट ले फ्रेंड्स। ये मेरा एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। लेकिन वही बात है फ्रेंड्स कि यार ज्यादा रोशनी में नींद अच्छे से नहीं आ पाएगी, बहुत से लोगों को अंधेरे में ही सोने की आदत है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट काम करता है फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपको मैंने बताया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वायर को इस तरीके से छील लिया है और इसके अंदर से बारीक बारीक से तीन वायर निकाल लिए हैं। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि ये मच्छर की टांगे है। और ये देखिए इसके अंदर जैसे ही घुसेगी इस तरीके से, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए ऐसा नहीं इस तरफ से ही काम करेगा, अब मैं आपको इस तरफ से भी बता देता हूँ, देख सकते हैं यार कितना जबरदस्त है। ये देखिए, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको बच्चों से दूर रखिएगा, यानी आप इसको कहीं ऊंचाई पे रखिएगा ताकि सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रहे। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अंधेरे में चेक करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कर दिया है हमने अंधेरा और आप इसके अंदर ये ब्लू लाइट देख सकते हैं। और अब आप देखना फ्रेंड्स इसके अंदर किस तरीके से मच्छर मारे जाएंगे। और अब देखिए दूसरी तरफ से भी करते हैं एक बार फिर से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे ये मॉस्किटो किलर काम करने वाला है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये मॉस्किटो किलर बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को तो आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।